हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके प्रोग्रामिंग। तो आज के वीडियो में देखेंगे आइडेंटिफायर क्या होता है सी लैंग्वेज के अंदर। तो कुछ थियरी है वो मैंने इधर लिखी हुई है, तो वन बाय वन हम समझते जाएंगे कि आइडेंटिफायर का यूज कैसे होता है और उसका पर्पस क्या है। Let's adding C identifiers. Identifier refers to name given to entities such as variable, function, structure, etc. इसका मतलब यह है कि जो identifier होता है वो किसी भी entity का आपको नाम रखना है तो उसके लिए identifier होता है। Means कि अगर आपको variable, function, structure कोई भी नाम रखना है आपको, तो उसके लिए आपको identifier का use करना है। अभी वेरिएबल क्या है, फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है वो आपको नहीं पता है क्योंकि आप स्टार्टिंग फेज में हो। मैं अभी धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, आपको वेरिएबल के बारे में बताऊंगा, लेकिन ये फंक्शन और स्ट्रक्चर से वो अभी नहीं बता सकता क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। पहले हम वेरिएबल से शुरुआत करते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, आइडेंटिफायर मस्ट बी यूनिक। इसका मतलब यह है कि जो आइडेंटिफायर होता है, मीन्स कि आप वेरिएबल का नाम लिखते हो या फिर फंक्शन का या फिर स्ट्रक्चर का, तो उसका जो नाम होता है वो मस्ट बी यूनिक होना चाहिए। मीन्स कि एक बार आपने जो आइडेंटिफायर रिफर कर दिया, मीन्स कि एक नाम आपने रख दिया नंबर वन नाम, तो आप दूसरी बार नंबर वन नाम का कोई भी वेरिएबल, स्ट्रक्चर या फंक्शन नहीं बना सकोगे। अगर आप ऐसा करने जाओगे तो आपको कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। ठीक है, दे आर क्रिएटेड टू गिव अ यूनिक नेम टू एन एंटिटी टू आइडेंटिफाई इट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। अब उसको यूनिक नेम क्यों देना पड़ता है, क्योंकि उसका हम आगे प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं, तो उसका पर्पज चेंज ना हो जाए और एग्जीक्यूशन टाइम कंपाइलर है वो आइडेंटिफाइड कर पाए कि पर्टिकुलर आइडेंटिफायर का यूज किस पर्पज के लिए हुआ है, इसलिए उसको यूनिक नेम देना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इंटीजर m1, m2, तो ये जो लाइन है वो आपको अभी समझ नहीं आएगी। ये जो है मैंने वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया हुआ है, ये int लिखा उसको इंटीजर बोलते हैं, उसको डेटा टाइप कहते हैं। डेटा टाइप्स के बारे में धीमे धीमे मैं वीडियो बनाऊंगा। और m1 और m2 है वो दो वेरिएबल है, लेकिन ये जो m1 कहा जाता है वो वेरिएबल तो है, लेकिन उसका जो नेम मैंने m1 रखा हुआ है वो आइडेंटिफायर है। ठीक है, ये m2 है, ये भी वेरिएबल है, लेकिन उसका जो नेम है m2 वो आइडेंटिफायर है। देन डबल अकाउंट बैलेंस, ये जो डबल है वो भी डेटा टाइप है और ये वेरिएबल नेम है डबल टाइप का। हियर m1 m2 एंड अकाउंट बैलेंस आर आइडेंटिफायर। तो आपको एक गैर समझ नहीं उपलब्ध होनी चाहिए कि वेरिएबल और आइडेंटिफायर दोनों सेम है। आइडेंटिफायर है वो किसी भी नेम को रिफर करता है, मीन्स के वेरिएबल का नाम हो, फंक्शन का नाम हो या स्ट्रक्चर का नाम हो, और वेरिएबल है वो किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज में होता है। ऑल्सो रिमेम्बर, आइडेंटिफायर नेम मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम कीवर्ड्स। तो अब कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया जब मैंने वॉइड में लिखा था, तो वॉइड जो था वो वाइट अक्षर में हो गया था। तो कोई भी वर्ड हो वो अगर हम टर्बो सी में लगते हैं और उस वो वाइट हो जाता है, मीन्स के वो स्पेशल स्पेशल कीवर्ड है, उसका पर्टिकुलर मीनिंग ऑलरेडी सी लैंग्वेज ने डिफाइन किया हुआ है, तो इसके लिए हम उसको किसी दूसरी जगह यूज नहीं कर सकते, मीन्स किसी और का आइडेंटिफायर की तरह उसे यूज नहीं कर सकते। इधर मैंने int m1 नाम का देखो वेरिएबल बनाया है, तो इधर मैं int void है ऐसे नहीं बना सकता क्योंकि void ऑलरेडी कीवर्ड है, और इधर मैंने int है तो ये डबल है वो भी कीवर्ड है। तो कितने कीवर्ड है सी लैंग्वेज में, सब कुछ मैं सिखाऊंगा धीरे धीरे। उसके बाद आता है, फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट यूज int एज एन आइडेंटिफायर बिकॉज int इज अ कीवर्ड। मीन्स कि आपको किसी भी वेरिएबल, स्ट्रक्चर और फंक्शन का नाम लिख रहे हो तो वो जो है उसका नाम कीवर्ड के साथ मैच नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इधर कुछ रूल्स है, रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स। अ वैलिड आइडेंटिफायर्स कैन हैव लेटर्स
बोथ अपर केस एंड लोअर केस, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। मीन्स कि जब भी हम किसी भी आइडेंटिफायर का नेम रखते हैं तो उसमें क्या क्या आ सकता है, अपर केस लेटर भी आ सकता है, लोअर केस लेटर भी आ सकता है, डिजिट भी आ सकता है और अंडरस्कोर भी आ सकता है। पहले आइडेंटिफायर तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको एक वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में बताता हूँ। तो पहले इसे सिंगल लाइन कमेंट कर देता हूँ। किसी भी वेरिएबल का डिक्लेरेशन आपको करना है, ठीक है, तो किस तरह से किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो डेटा टाइप आएगी, उसके बाद वेरिएबल नेम, एक लाइन में ऐसे भी हो सकता है, दूसरा भी होता है डेटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल टू है एंड वैल्यू। हम जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू भी स्टोर एक साथ करा देते हैं, यानी कि जब हम वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हैं और हमें कुछ वैल्यू उसमें स्टोर करवानी है तो इस लाइन की यूज करके आप कर सकते हो, और विदाउट वैल्यू स्टोर इस लाइन का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आइडेंटिफायर के बारे में हमें ज्यादातर आज बात करनी है हमें। तो इधर लिखा हुआ है अ वैलिड आइडेंटिफायर कैन हैव लेटर्स अपर केस एंड लोअर केस ऑल्सो डिजिट एंड अंडरस्कोर। इसका मतलब यह है कि जब भी हम किसी भी वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं, तो उसकी सिंटैक्स है पहले डेटा टाइप लिखनी है, उसके बाद वेरिएबल नेम। इसके बाद मैं एक वीडियो में बनाऊंगा वो डेटा टाइप्स पर होगा, जिससे आपको ख्याल आएगा डेटा टाइप क्या है। इस वक्त आप इतना समझिए कि इंटीजर है वो डेटा टाइप है, मींस कि INT, और इधर देखो ये वॉइड है, ये कीवर्ड है इसलिए ये वाइट हो गया है। ये INT मींस कि इंटीजर है वो भी कीवर्ड है इसलिए वाइट हो गया। तो पहले डेटा टाइप, तो मैंने डेटा टाइप से तो इंटीजर डिफाइन कर दी, उसके बाद एक स्पेस छोड़कर आपको वेरिएबल का नाम लिखना है। तो वेरिएबल का नाम मैं नंबर वन रखता हूँ, तो ये जो नंबर वन जो मैंने नामकरण किया उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफायर में क्या क्या आ सकता है, तो देखो अ वैलिड आइडेंटिफायर कैन हैव लेटर्स बोथ अपर केस एंड लोअर केस। तो ये जो मैं नाम लिख रहा हूँ उसमें बोथ नंबर, बोथ लोअर केस एंड अपर केस दोनों आ सकते हैं। तो ये अपर केस में एन और लोअर केस में ओ कर देता हूँ, तो एनओ हो गया लोअर और अपर केस। ऑल्सो डिजिट भी आ सकता है, तो ये वन है वो डिजिट भी आ गया, एंड ऑल्सो अंडरस्कोर भी आ सकता है, तो इधर में अंडरस्कोर कर देता हूँ तो ये भी आ गया। तो ये है वैलिड आइडेंटिफायर नेम है, ठीक है। दूसरा, द फर्स्ट लेटर ऑफ एन आइडेंटिफायर शुड बी इधर लेटर और अंडरस्कोर। तो इसका मतलब ये है कि जो ये मैंने फर्स्ट एन लिखा हुआ है ना, किसी भी आइडेंटिफायर का फर्स्ट लेटर हो वो शुड मस्ट बी अ लेटर होना चाहिए और अंडरस्कोर होना चाहिए। मीन्स कि एन मैंने लिखा तो ये वैलिड आइडेंटिफायर है, ठीक है। अब मैं ऐसे लिखता हूँ नंबर वन, तो ये भी वैलिड है। इसको मैं सेव करता हूँ और कंपाइल करके देखता हूँ और रन करके देखता हूँ, तो ये जो है वो वैलिड है, ठीक है। लेकिन अगर हम इधर अंडरस्कोर नहीं कर दे और ये स्मॉल में एन रखता हूँ तो ये भी वैलिड है, तो एरर नहीं है। अब मैं इधर ये जो डिजिट मैंने पीछे किया हुआ है उसे आगे लेकर आता हूँ, इंटीजर वन नंबर, तो ये जो आइडेंटिफायर का नेम हुआ ये वैलिड नहीं है। इसे मैं कंपाइल करूंगा तो एरर जनरेट होता है, देखो डिक्लेरेशन टर्मिनेट इनकरेक्ट। मींस के ये जो मैंने पहला डिजिट यूज किया वो जो रूल्स है आइडेंटिफायर के उसके खिलाफ है। मींस के पहला जो लेटर होगा किसी भी आइडेंटिफायर का, आइदर वो लेटर होना चाहिए और अंडरस्कोर होना चाहिए। लेटर में कुछ भी हो सकता है, स्मॉल और कैपिटल, ठीक है। फिर दूसरा जो रूल्स है वो मैंने आपको एग्जीक्यूट करके बताया। तीसरा देखता है, यू कैन नॉट यूज कीवर्ड लाइक इंटीजर वाइल PTC एज आइडेंटिफायर। मीन्स ये जो मैंने नाम लिखा हुआ है इधर नंबर करके वेरिएबल का, वो ऐसे नॉर्मल होगा तो चलेगा। अगर मैं नंबर की जगह कोई भी आइडेंटिफायर के लिए मैं कीवर्ड का यूज करता हूँ, मीन्स कि ये वॉइड है, एक कीवर्ड है, INT है, एक कीवर्ड है, जो भी मैं इधर लिखूंगा टर्बोसी की स्क्रीन में वो वाइट हो जाए वो कीवर्ड है। मीन्स के डबल डेटा टाइप ए भी कीवर्ड है, वाइल ए भी कीवर्ड है, फॉर ए भी कीवर्ड है, इफ ए भी कीवर्ड है, एल्स ए भी कीवर्ड है, ये सब कीवर्ड है, ठीक है, जो वाइट हो जाते हैं, और जो कीवर्ड नहीं होंगे वो इस तरह से मेन है तो इस तरह से रहते हैं, जो नंबर है तो कीवर्ड नहीं है इसलिए वो वाइट नहीं होते। अब सपोज आइडेंटिफायर का रूल्स क्या है कि आप किसी भी आइडेंटिफायर का
नाम जो है वो आप कीवर्ड का नहीं लिख सकते। तो ये void है, कीवर्ड है, तो मैं डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम है वो void लगता हूँ, ठीक है। तो मैंने void किया तो ये दोनों void हो गई है, मीन्स के मैं नाम जो देने जा रहा हूँ वो भी किसी कीवर्ड का नाम है, ये हम नहीं दे सकते। तो इसको मैं कंपाइल करता हूँ तो ये देखो एरर आ रहा है, टू मैनी टाइप इन डिक्लेरेशन। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रूल्स नंबर 3 है वो भी सही है। तो आइडेंटिफायर्स का जो रूल्स है वो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। इस तरह का आपको किसी भी वेरिएबल हो, स्ट्रक्चर हो या फंक्शन हो, आपको नाम इस रूल्स के रेगुलेशन को जानकर रखना पड़ेगा। तो इधर मैं फिर से नंबर 1 कर देता हूँ, अब ये चलेगा, देखो सक्सेस आया। अब लास्ट वाला देखते हैं। There is no rule on how long an identifier can be. However, there is no rule on how long an identifier can be. इसका मतलब ये है कि मैंने ये जो नाम लिखा है उसकी लेंथ कितनी है, देखो 1, 2, 3, नंबर 1 मीन 3 कैरेक्टर, तो उसका नाम कितना लंबा होना चाहिए उसका कोई आइडेंटिफायर में रूल्स नहीं है, ठीक है। ये मैंने लिखा तो ये चलेगा, ठीक है, थोड़ा और लंबा कर देता हूँ तो भी चलता है। मीन्स कि ये जो लेंथ है वेरिएबल के नेम में वो कितनी होनी चाहिए उसका कोई भी रूल्स नहीं है। लेकिन नेक्स्ट लाइन को आप पढ़े, हाउएवर यू मे रन इन टू प्रॉब्लम इन सम कंपाइलर्स इफ द आइडेंटिफायर इज लॉन्गर देन 31 कैरेक्टर। कहीं कंपाइलर ऐसे होते हैं जब आपका आइडेंटिफायर का नेम है वो 31 से अप हो जाएगा तो वो एरर जनरेट कर सकता है। तो इसको हम ट्राई करते देखते हैं, पहले 3 कैरेक्टर हो चुके हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये मैंने 31 के ऊपर चला गया लेकिन मुझे एरर जनरेट नहीं कर सकता। लेकिन आपके पीसी में कौन सा सिस्टम इंस्टॉल है उसके पर कंपाइलर होता है, तो उसके पर ये डिपेंड करेगा कि हाउ लॉन्ग दिस इज गोइंग। तो आज के वीडियो में सिंपल हमने देखा कि किस तरह से किसी भी वेरिएबल और स्ट्रक्चर हो या फंक्शन का नाम रखा जाता है। आप मिसअंडरस्टैंड मत हो ना कि आइडेंटिफायर और वेरिएबल सेम है। वेरिएबल है वो वैल्यू स्टोर करवाने के लिए यूज होता है, जबकि आइडेंटिफायर है वो सिर्फ वेरिएबल का नाम देने के लिए है और उसके रूल्स। आज मैंने वेरिएबल के नाम के बारे में बात की क्योंकि आपको फंक्शन और स्ट्रक्चर है वो अभी नहीं आपको समझ आएगा, इसलिए मैं नहीं समझा सकता, ठीक है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।